स्टेशन मास्टर जी नमस्कार, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी गाड़ियों का जो टाइम टेबल है उसका कुछ मतलब है कि नहीं? अरे जिस गाड़ी के बारे में पूछोगे तो 2 घंटा लेट है, अब किसी को शादी में जाना है, किसी की माँ बीमार है, इतनी सारी परेशानियां और रेलवे। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इसमें हम कर क्या सकते हैं? हम कर क्या सकते हैं? अरे ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? अरे आप तो एक जिम्मेदार कुर्सी बैठे हुए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपकी नाराजगी और शिकायत जायज है। आप ये शिकायत रेलवे प्रशासन को लिखित में भेजिए, आप जैसे लोग आवाज उठाएंगे तो बात जरूर बनेगी। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं, कौन सी ट्रेन है आप? अरे जाना तो बीजापुर है कामायनी एक्सप्रेस से। अरे आपकी ट्रेन तो राइट टाइम पे निकली है फौरन। अरे अभी अभी पूछताछ कार्यालय में कहा 2 घंटा लेट है। अरे जाओ ना भाई, तुम्हारी ट्रेन जा रही है ना। अरे तो कमाल सिस्टम है यार। हम सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये पैसा हमको इनाम में मिला है, हमने अपनी जान पर खेलकर एक दुकान को लूटने से बचाया है। ये देखिए ये हमारा कार्ड है और ये देखिए ये न्यूज अखबार में छपी थी। अब हम जाएं, गाड़ी छूट रही है, हम फंस जाएंगे भाई। अरे कहाँ यार, सब लोग परेशान करने के लिए मिलते हैं। मनपसंद बिरयानी है, ले खा ले, खा ले, ले अकरम अकरम, अरे दे दो भाई, ले ना, अरे खा ले, हाँ हाँ ले। काकी की उम्र खेत तुम्हारी, सुबह देख रहा हूँ लपके पड़े हो साला, हर जगह एक त्रिलोचन बैठा हुआ है, दीमक कीड़े मकोड़े साले, गंदी नाली, कहीं मरे कहीं भूत हो साले, इसको क्यों भाई नहीं छोड़ते। तुम सो जाओ सो जाओ, हम जगते हैं। हाँ हाँ बेटा सो जाओ। कोई बात नहीं, तुम इधर आ जाओ।
हम अच्छे खाते सो रहे थे, हमारा बैग छीना था। देखो साहब, इनाम के साथ में दोस्तों ने मदद की और हम आपसे कह रहे हैं कि अभी तक हमने जितना कहा है एकदम सच कहा है, उसमें बिल्कुल झूठ नहीं कहा है। और वो तो गुंडों से उलझने के चक्कर में पता नहीं पर्स कहाँ गिर गया हमारा, वरना हम आपको पहचान पत्र दिखा देते और उसमें एक हमारी कटिंग भी थी वो भी दिखा देते कि पैसा आया कहाँ से। बस बस, अब इधर उधर की बातें मत कर, सीधी तरह ये बता कि ये पैसे तेरे पास आए कहाँ से। लूटा, किसका मर्डर किया, सीधी तरह बता, नहीं तो एक मिनट में उगलेगा। एक मिनट में क्या उगलेगा, आप समझ के उन्हें जो हम आपसे कह रहे हैं कि आप तिवारी जी से फोन बात करिए। अब तिवारी जी की बात मत कर और ये फोन वन की बात मत कर, साले चलान करके दो मिनट में अंदर कर दूंगा। एक मिनट सिंह साहब, ये भी तो हो सकता है कि ये सही कह रहा हो। देख, तेरे पास इस प्रॉब्लम से बचने का एक ही उपाय है, ये पैसे सरकारी खजाने में जमा हो जाएंगे और फिर सिंह साहब तुम्हें एक लेटर देंगे, उस लेटर को लेके जब तू कोर्ट में जाएगा तब ये माल मिलेगा बाबू। आपसे समझना चाहते हैं कि आप हमसे चाहते क्या है, आप पहले हमें समझाइए, हम समझेंगे। एक मिनट, तुम्हारी ऐसी की तैसी, बाहर आकर खुले में बात करो। अगर हम साबित नहीं कर सकते ये ईमानदारी का पैसा है तो तुम साबित करके दिखाओ बेईमानी का पैसा है। अगर तुम कानून के रक्षक हो तो हम भी देश के नागरिक हैं, हम भी अपने अधिकार जानते हैं। अरे बताओ बताओ क्या प्रॉब्लम, बताओ, हम पत्रकार हैं, छुपा दे। भैया, हम मुंबई में सिक्योरिटी गार्ड, कुछ पैसा हमको इनाम में मिला, कुछ पैसा हमको हमारे इष्ट मित्रों ने दिया और गुंडे लोग हमारा पैसा छीन रहे थे। हम पैसा बचाते हमारी दशा हो गई। हम इनको कब से अंदर समझा रहे हैं तो नहीं, ये लोग हमें तीन पांच समझा रहे हैं, कह रहे यहाँ जाओ, कोर्ट में जाओ, वहाँ जाओ, ट्रेन छुटवा दी इन लोगों ने हमारी। कौन आदमी की ये लोग सामने कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि हमको पैसा इनाम मिला, हमारे दोस्तों ने आप हमें अंदर करने की बात कर रहे हो, मारने की बात कर रहे हो। तुम तो खामखा भड़क गए, हम तो बस पूछ ही रहे थे। अरे पूछ भी क्या रहे थे, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। पैसे तुम्हारे हैं तो तुम्हारे ही रहेंगे। अच्छा भाई, तो हम हो गए गलतफहमी का शिकार, अब तो आप हमारे भिजवाने का बंदोबस्त कीजिए, ट्रेन तो हमारी निकली गई, छूटी गई। करते हैं। किशनगंज। दादाजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। दादाजी हम लल्लन। लल्लन? लल्लन कौन बेटा? वो प्रजापति पोस्ट ऑफिस के बगल वाला मकान। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम श्यामलाल के बेटे हो बच्चा? नहीं, हम रामलाल के बेटे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम इलाहाबाद से आ रहे हो ना बच्चा? हाँ, इलाहाबाद में रहते हैं, संगम पे पंडे हैं, पंडे। अच्छा, टाइम निकालो, आओ संगम पे आओ, आपको भी नलवाई बहन डुबो देंगे। हाँ हाँ, आऊंगा। अच्छा अच्छा, खून पी रहे हो, खून। बेटे, ये सब फुटपाथ कैसे गया? कुछ नहीं, लफंगों के साथ दो दो हाथ हो गए। अच्छा अच्छा, जैसे आपके साथ हो रहे हैं। इलाहाबाद में रहते हो ना? हम मुंबई में रहते हैं, मुंबई में। ओ अच्छा अच्छा, मुंबई में क्या करते हो बेटा? मुंबई में? हाँ, मुंबई में हम गवर्नर हैं। अच्छा अच्छा, मुंबई में गवर्नर हो, बहुत अच्छा बच्चा, गांव का नाम ऊंचा कर रहे हो। हाँ बच्चा। हाँ, सोच तो यही रहे।